हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही इजी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है बनाने में। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये डिज़ाइन सिर्फ 6 रोज का डिज़ाइन है, आपको वही 6 रोज बीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 8 + 4 एज स्टेज में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 + 4। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 8 2 × 8 + 4 एज स्टेज करके टोटल 20 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको ये राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं, एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे करना है। अब 6 फंदा सीधा, 1 2 3, सॉरी 4 5 6, यहाँ तक एक ही डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 6 फंदा सीधा, 2 4 6। अभी रिपीट करना है आपको बार बार, फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे, अब 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। फिर आपको लास्ट में 3 फंदा बचेगा, धागा आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे, अब लास्ट में 1 फंदा है जिसको सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, अब सेकेंड रो। सेकेंड रो रॉन्ग साइड, 1 फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, अब धागे को पीछे करना है, अब 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे करना है, अब 6 फंदा को उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 करना है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर 6 फंदा उल्टा, 2 4 6। फिर से एक बार लास्ट रिपीट करना है, आप धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे, अब 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है, आपको रिपीट करना है बार बार। फिर आपको लास्ट में 3 फंदा बचेगा, धागा पीछे करना है, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे, और लास्ट में 1 फंदा है जिसको उल्टा बोलना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है, अब थर्ड रो। थर्ड रो राइट साइड, 1 फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को आगे करना है, अब 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको ये 3 फंदा और ये 3 फंदा को ट्विस्ट करना है, एक बार पीछे से एक बार आगे से। अभी 3 फंदा को ट्विस्ट करना है, इस फर्स्ट फंदा को छोड़कर इस 2 फंदों को पीछे से राइट मिडल पे लेना है, इस 2 फंदों को, फिर आगे से 1 फंदा लेफ्ट मिडल पे। अभी 2 फंदों को फिर से लेफ्ट में लेना है, अभी 3 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3। अब ये 3 फंदों को ट्विस्ट करना है, अब आगे से इस 2 फंदों को छोड़कर ये थर्ड स्टिच को राइट मिडल पे लेना है, फिर पीछे से 2 फंदों को लेफ्ट मिडल पे।
अभी एक फंदा को भी लेफ्ट मिडल पे लेना है, अभी तीन फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन। अभी रिपीट करना है आपको स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर तीन फंदा को पीछे से ट्विस्ट करना है, फिर तीन फंदा को आगे से। अब ये रिपीट करना है बार बार, फिर से एक बार लास्ट रिपीट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे। अब ये तीन फंदा को ट्विस्ट करना है पीछे से, दो फंदा को राइट नीडल पे लेना है, फिर आगे के एक फंदा लेफ्ट नीडल पे, फिर तीन फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन। अब ये दो फंदों को आगे से ट्विस्ट करना है, थर्ड स्टिच को राइट निडल पे लेना है, फिर दो फंदों को लेफ्ट निडल पे। अब तीन फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ तक मैंने दो बार रिपीट किया है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, आप एक फंदा एडजस्टेड जिसको सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो, फोर रो ए रॉन्ग साइड आपको एक फंदा ऐसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे करना है, अब तीन छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ। अब ये करना है आपको स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर छः फंदा उल्टा, दो चार छ। अब ये रिपीट करना है आपको धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे, अब छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये रिपीट करना है, यहाँ तक मैंने दो बार रिपीट किया है, फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे, अब एक फंदा एडजस्टेड इसको उल्टा बुनना है। फोर रो कम्प्लीट कर लिया है, अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो राइट साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको ये तीन फंदा और तीन फंदा को ट्विस्ट करना है, तीन फंदा को आगे से ट्विस्ट करना है, ये दो फंदा को छोड़कर थर्ड स्टिच को ये तीन फंदा को ट्विस्ट राइट हैंड पे लेना है, फिर पीछे के दो फंदा को लेफ्ट पर। अब ये तीन फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन। अब ये तीन फंदा को पीछे से लेना है, दो फंदा को राइट नीडल पे लेना है, एक फंदा के छोड़कर, फिर आगे से एक फंदा लेफ्ट नीडल पे, फिर तीन फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ तक एक ही बार रिपीट हुआ है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर ये तीन फंदा को आगे से ट्विस्ट करना है, फिर ये तीन फंदा को पीछे से, फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, अब ये दो तीन फंदा को ट्विस्ट करना है, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब तीन फंदा को ट्विस्ट करना है पीछे से,
तीन फंदा सीधा, एक दो तीन है तक दो बारी पिठुआ है, फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा एडजस्टी जिसको सीधा होना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, सिक्स रो, सिक्स रो रॉन्ग साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे दो फंदा सीधा दो, फिर धागा आगे अब छह फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छ। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा एक दो, फिर छः फंदा उल्टा दो चार छः। अब ये रिपीट करना है फिर से एक बार, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा एक दो, फिर धागा आगे अब छः फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये रिपीट करना है, यहाँ तक मैंने दो बार रिपीट किया है, फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे दो फंदा सीधा एक दो, फिर धागा आगे अब एक फंदा स्टिच को उल्टा बुनना है। देखिए सिक्स रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से सिक्स रो तक ही रिपीट करना है, फिर से यहाँ से आपको रो वन से राइट साइड से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।